Find the angle between two vectors CA and B with magnitude root 3, root 2 and having A dot B. देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया है, magnitude of vector A is equal to root 3, magnitude of vector B is equal to 2 है, okay, and vector A dot vector B is equal to root 6. तो theta is equal to क्या है बच्चों, cos inverse of vector A dot vector B upon magnitude of vector A into magnitude of vector B. तो cos inverse of A dot B means root 6 है upon root 3 into 2 है. तो यहाँ पे 3 वन जा 3 टू जा आएगा बच्चों यहाँ पे. सो आई कैन राइट हियर cos inverse of root 2 upon 2, that is cos inverse of 1 upon root 2 आएगा ये. root 2 से कैंसिल कर सकते हैं. 1 upon root 2 means what? cos pi by 4. तो theta is equal to pi by 4 आएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये दोनों के बीच में का एंगल निकालना है बच्चों. तो लेट अस कंसीडर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे प्लस के कैप. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैलकुलेट करेंगे बच्चों. सो लेट इज I minus 2j cap plus 3j cap 3k cap into dot है 3i cap minus 2j cap plus k cap. तो यहाँ सिर्फ i i j j का मल्टीप्लीकेशन होता है क्योंकि i j देखिए i j जीरो होता है डॉट प्रोडक्ट. तो i ये हो जाएगा बच्चों, देखिए ये दोनों का क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, 3 आएगा. ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा बच्चों प्लस 4 आएगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 3 आएगा. सो देयरफॉर दिस इज 10 आ जाएगा ये डॉट. उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये निकालेंगे, अंडर स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा. So this is equal to यहाँ पे ये मॉड नहीं है बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 13. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो अगेन दिस इज विल कम बच्चों रूट 13. ठीक है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू दैट इज एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तो कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी हमारा कितना है, 10 आएगा बच्चों, 10 अपॉन रूट 13 इंटू रूट 13. सो दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 13 आएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सी तो बोलना का बड़ा शे. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, find the projection of the vector I minus j on the vector I plus j. देखिए बच्चों, vector A is equal to I minus j cap, vector B is equal to I plus j cap, बराबर है. तो projection of vector A ऑन द वेक्टर बी,
ये क्या है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बराबर। तो व्हाट विल बी दिस, आर माइनस जी, आर इक्वल टू जीरो, बराबर। तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, आई डॉट आई वन माइनस जे डॉट जे वन अपॉन, दिस इज जीरो आएगा बच्चों, जीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन, देखिए अभी यहां पर वैसा ही क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, क्या वेक्टर बी इज इक्वल टू सेवन आई माइनस जे प्लस एट के, क्या बनेगा। तो ये बी बी इज इक्वल टू आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के क्या इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट विल बी दिस डॉट सेवन आई क्या माइनस जे क्या प्लस सेवन माइनस थ्री प्लस 56, इसी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, 63 माइनस ये दिस इज 60 आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 60 आ। इसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, so what will be this, this is 49 plus 1 plus 64, so 50 plus this is 149, right? So projection of vector A on the vector B, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ये फोर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, शो दैट गिवन वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स एंड शो दैट दे आर mutually perpendicular to each other. So let us consider here vector A is equal to 1 of all 7 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. Vector B is equal to 1 of all 7 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. Vector C is equal to 1 of all 7 6 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap. अब ये यूनिट वेक्टर कब होगा बच्चों, अगर इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं वो 1 आती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 रूट अंडर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा, 1 upon 7 into 4 plus 9 plus 36, so 1 upon 7 into ये 49 हो जाएगा बच्चों, 7 7 से विल गेट कैंसिल 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या करना है बच्चों,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल देंगे बच्चों, इसी इज इक्वल टू 1/7 अंडर स्क्वायर रूट 3² ± 6² + 2² और ये इसी 1/7 ये 49 आ रहा है 1/7 × 7 = 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1/7 × √6² + 2² - 3² तो 1/7 ये 49 आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी 49 और उसका स्क्वायर रूट या 49 लिख देता हूं तो 1/7 ये बन जाएगा। देखिए बच्चों अब हमको क्या प्रूव कर रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे प्रूव करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज जीरो देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा होता है। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, तो लेट अस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो 1/7 2i + 3j + 6k क्या है डॉट 1/7 2i - 6j + 3k 1/7 देखिए बच्चों ये 1/49 है कैसे यार, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -18 प्लस 1/49 × 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, नाउ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालें 1/7 × 3i - 6j + 2k डॉट 1/7 × 6i + 2j - 3k इट इज 1/49 × ये आ जाएगा 18 माइनस ये दोनों का 12 - 6 2k कैप डॉट -3k डॉट, सो इट इज अगेन इट इज 0 1/49 × 0 दिस इज 0, सो दिस इंप्लाई देखिए b डॉट c = 0 दिस इंप्लाइज वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। अब हमको a डॉट c निकालना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 1/7 × 3i + 2i + 3j + 6k डॉट 1/7 6i + 3j - 3k 1/49 × 2i · 6i 12 3j + 2j डॉट तो ये आ जाएगा +6 - 18 आ गए, सो 1/49 × 0 आ जाएगा दिस इज 0, सो दिस इंप्लाइज देखिए a डॉट c इज इक्वल टू 0 वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो ये हमारा क्वेश्चन है। This is question number 5. Now let us see question number 6. देखिए बच्चों, what is this here?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन हियर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। तो आई कैन राइट, जो हम लोगों को वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है देखिए वही यहाँ पे यूज करना है बच्चों। ए प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा जहाँ स्क्वायर आएगा वहां माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देखिए बच्चों यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, बराबर है, ठीक है। तो ए के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, सो आई कैन से ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बोल सकता हूँ, राइट, दिस इज इक्वल टू ए। तो ये 64 माइनस, देखिए दिस इज 64 स्क्वायर माइनस, so this is equal to 63 magnitude of b square is equal to 8, so magnitude of p is equal square is equal to 8 upon 63, magnitude of vector is equal to 8 over 2 into 4 is 2 root 2 आएगा, 2 root 2 upon under square root 63 आएगा, राइट। इसके बाद में हमको वी कैन कैलकुलेट ये आंसर, ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसका स्क्वायर है बच्चों 8 अपॉन 63 इज इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 अपॉन 63 आएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, प्लस 8 अपॉन 63 स्क्वायर, तो दिस अंडर स्क्वायर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है देखिए बच्चों इसको, दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन नंबर, हाँ वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, अभी हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 5 डॉट 2a प्लस तो ये हमको प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए 2a प्लस 7b माइनस 5 वेक्टर बी आएगा बच्चों 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए,
प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस टी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर आएगा। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों ये जो है 21, अब ये जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव है, राइट। जो 21 वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर माइनस 10, तो ये आ जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। Right now, let us see question number 8. Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude. So, what is given here? Vector A is equal to magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B. Dono same hai, aisa diya hai. Aur unki magnitude having the same magnitude and such that the angle between them is थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मींस व्हाट? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2। हम लोगों को मालूम है बच्चों ये पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कॉस 60 is equal to 1/2 में आ गए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। cos 60 is 1/2, 1/2 is equal to 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कैंसिल हो जाए, यहां 1 रहे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी के बदले में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया है हमको। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों सेम है, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। हम मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए क्या है, फाइंड मॉड ऑफ एक्स बार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स ई फॉर ए यूनिट वेक्टर ए मींस वेक्टर ई दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है। तो यह वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर वेक्टर x स्क्वायर माइनस 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका स्क्वायर 1 है 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2a cap plus 3a cap, vector b is equal to minus i cap plus 2j cap plus 3k cap. Sorry, what is this? Minus i plus 2j plus k cap. Vector c is equal to 3i cap plus j cap. R such that
वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. सो व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ऐसा दिया है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. सो दिस इज गाइस वेक्टर ए प्लस वेक्टर लैम्डा इनटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू शिवाय, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है बच्चों. यहाँ नो नीड ऑफ टेकिंग ब्रैकेट, नो नीड ऑफ टेकिंग ब्रैकेट है. तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, राइट. ये बोले तो क्या है बच्चों, टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के क्या है डॉट, सी बोले तो क्या है थ्री आई प्लस जे क्या है प्लस लैम्डा इन टू बी बोले तो क्या है माइनस आई प्लस टू जे क्या प्लस के क्या है डॉट सी, डॉट सी बोले तो थ्री आई प्लस जे क्या. दिस विल बी सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू प्लस थ्री के इधर क्या आएगा बच्चों, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज जीरो के बच्चों, बराबर है. यहां मैं जीरो लिखूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है, राइट. प्लस लैम्डा इंटू ए की माइनस थ्री प्लस टू प्लस जीरो है इज इक्वल टू जीरो. दिस इज एट प्लस माइनस सिक्स लैम्डा, सॉरी माइनस वन लैम्डा, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो आई कैन से दैट एट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एट आएगा. तो क्वेश्चन नंबर टेन तक हम देखेंगे बच्चों आज, लेट अस स्टॉप टुडे नाउ. यहाँ पर क्वेश्चन समझना जरूरी होता है बच्चों. व्हाट इज क्वेश्चन आवर, ही फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स दिए हैं, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स के डायरेक्टेड कोसाइन्स, डायरेक्शन कोसाइन्स निकालना है हमको. यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए वन टू माइनस थ्री, बी माइनस वन टू वन, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग तो इसका वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वन एक्स वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू ये जेड, तो ये आएगा बच्चों एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. तो ध्यान दीजिए बच्चों, x2 माइनस x1 मींस x2 मींस माइनस 1 माइनस 1 i कैप प्लस y2 मींस 2 माइनस 2 j कैप प्लस z2 मींस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 k कैप. ओके, देखिए बच्चों यहां पर b माइनस टू है, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू आएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप
प्लस 4 के है, ओके। तो दिस इज वेक्टर ए बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस टू माइनस फोर और माइनस माइनस फोर एंड प्लस फोर दीज आर डी आर, लेकिन अगर समझो इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद में आई जे के इनके जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे बच्चों, वो कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, डीसीज हो जाएंगे। सो लेट अस कैलकुलेट बच्चों, वेक्टर ए बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी लेना है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन माइनस टू का स्क्वायर आएगा बच्चों प्लस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 69, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, दैट मीन्स 20 प्लस 16 36, 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6 आएगा। सो माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप, अब इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ये 36 आएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के आई कैप माइनस 1 अपॉन 3 जे कैप प्लस 2 अपॉन 3, पर यहाँ क्या आएगा बच्चों, दिस इज 2 अपॉन बराबर है माइनस 1 अपॉन 3, एक मिनट लेट अस मेक करेक्शन, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 आएगा बच्चे, ओके कैप, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट विल बी डायरेक्शन कोसाइन, माइनस 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 प्लस 3 बाय 3, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, show that the vector I plus j plus k cap is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. बराबर है बच्चों, तो देखिए equally inclined कब हो जाएगा बच्चों, अगर समझो cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma, या फिर l is equal to m is equal to n बोल सकते हैं, या फिर alpha is equal to beta is equal to gamma, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग alpha beta और gamma की वैल्यू निकालेंगे, इस cos alpha cos beta और cos gamma निकालेंगे, that means DCs निकालेंगे इसके। तो देखिए बच्चों suppose this is given vector I plus j plus k cap, बराबर है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों, तो I plus I'll write like this vector ये अपना magnitude of vector ये निकालें, तो I plus j cap plus k cap upon underscore root 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, सो देयर फॉर दिस इंप्लाइज 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप, बराबर। सो देयर फॉर व्हाट वी कैन से बच्चों, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू, ये देखिए सेम है, cos gamma is equal to 1 upon root, so this implies alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to cos inverse of 1 upon root 3, so this implies I plus j plus k cap is equally inclined to
द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए बच्चों, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजिशन वेक्टर्स दिए हैं बच्चों। देखिए आपको यहाँ पे दिस इज पी और इसको क्यू बोलेंगे, तो ये पहला फर्स्ट है R divides internally, R divides internally, बराबर है, इसको n is to n बोलेंगे, इसका पोजिशन वेक्टर ये बोलेंगे, इसका पोजिशन वेक्टर B बोलेंगे और इसका पोजिशन वेक्टर R बोलेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यंग का 2:1 है, देखिए यहाँ 2 और ये 1 है। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ये इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ये इज इक्वल टू फर्स्ट i प्लस j प्लस k क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अभी हमको पता है बच्चों कि वेक्टर r इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर b प्लस m इंटू b करना है, n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस m। देखिए बच्चों क्या आएगा, ये वेक्टर r इज इक्वल टू m इज व्हाट 2 है, 2 टाइम्स माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस n is 1 है बच्चों, सॉरी थोड़ी हाँ बराबर i plus j plus k अपॉन m plus n लेना है, m plus 2 plus 1 आएगा, तो this is equal to बच्चों minus 2 i plus 2 j k plus 2 k cap, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस j प्लस k अपॉन 3 आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों माइनस 2i प्लस i मींस माइनस i कैप प्लस 2j प्लस 1k प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3, सो दैट इज वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 आई कैप प्लस जे कैप, देखिए 3 अपॉन 3 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस के कैप ये हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर आर विच डिवाइड्स वेक्टर पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:1। अभी देखिए बच्चों नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन अगर निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ जस्ट वी हैव टू टेक सेकंड क्वेश्चन, हम लोग क्या लेते हैं बच्चों देखिए आर डिवाइड्स एक्सटर्नली, बराबर है एक्सटर्नली के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिगर चेंज हो जाएगी, फिगर क्या आएगी देखिए पी क्यू और इधर उधर आर आएगा, पोजिशन वेक्टर सी लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी और यहाँ पे रेशो जो है देखिए बच्चों आर डिवाइड्स इन द इमिस रेशो यम इज टू यम इज पी आर वही लेना है बस, वेक्टर ए वेक्टर बी सेम है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है देखिए बच्चे यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस होगा बराबर है, टेक हियर माइनस माइनस माइनस,
ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे, तो ये तो सेम रहेगा, यहां से चेंज हो जाएगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन, यहां पे भी चेंज हो जाएगा बच्चों, यहां चेंज हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, और यहां पे क्या आएगा, वन आएगा। सो देयरफॉर व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, आवर वेक्टर माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ रहे, ओके राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 3 4 P and Q, 4, 1, minus 2. देखिए यहाँ, this is P, this is Q. यहाँ पे R मिड पॉइंट है, okay. P का पोजीशन वेक्टर ये बोलेंगे, Q का पोजीशन वेक्टर B बोलेंगे, R का पोजीशन वेक्टर small r. और ये मिड पॉइंट है तो ये m is to n ना बच्चे, तो ये 1 is to 1 आएगा रेशो, okay. तो हम लोगों को पहले वेक्टर ए वेक्टर बी निकालना पड़ेंगे। देखिए बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, 2 3 4, तो 2 आई प्लस 3 जे क्या प्लस 4 के क्या, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 आई प्लस जे क्या माइनस 2 के क्या, तो ये अभी हमको R is mid point, R is the mid point of PQ, so this implies vector R is equal to vector P into M into vector B plus n into vector a upon 2 करना है, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पे what is m, m is 1 है, b vector क्या है, 4 है plus k minus 2 क्या plus n is 1 है, vector a क्या है, 2 r plus 3 j क्या plus 4 क्या upon 2 i, so this is 4 r plus j cap minus 2 k cap plus 2 r y plus 3 j cap plus 4 k cap upon 2 i. तो 4 r plus 2 i means 6 i cap upon 2 करेंगे plus j plus 3 j plus 4 j upon 2 माइनस 2 के कैप प्लस 4 के कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 2, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर आर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बच्चों ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए,
बी का पोजीशन वेक्टर बी है बच्चों, सी का पोजीशन वेक्टर सी निकालेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तीन वेक्टर्स निकालेंगे बच्चों, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। सो लेट अस सी व्हाट इज वेक्टर बी हियर। वेक्टर बी बोले तो क्या है, 2i माइनस जे प्लस के माइनस। वेक्टर ए क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 3i मींस माइनस i, माइनस जे प्लस फोर मीन्स प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, दिस इज वेक्टर ए बी। ओके, हम लोग अभी इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है। दिस इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन आएगा नाइन प्लस 25 आएगा। So this is equal to under square root 35. Now let us calculate vector BC निकालेंगे। Vector BC is equal to vector C minus vector B आएगा। What is C vector बच्चों? देखें यहाँ पे 1 minus 3i and 3j cap i cap minus 3j cap minus 5k cap minus b vector देखिए 2i cap minus j cap plus k cap, देखिए 2i minus j plus k cap, so this is equal to i cap minus 3j cap minus 5k cap माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आएगा। माइनस टू आई प्लस आई कैप माइनस आई कैप माइनस थ्री जे प्लस टू जे मीन्स माइनस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप। माइनस थ्री, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, टू का स्क्वायर फोर आएगा और सिक्स का स्क्वायर जो है बच्चों वो 36 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 41 आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट ए बी बी सी। और अभी देखिए वेक्टर ए बी प्लस ए बी बी सी और सी ए लेते हैं, वेक्टर सी ए दिस इज इक्वल टू ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी लेते हैं बच्चों। व्हाट विल टेक, विल टेक वेक्टर ए सी, व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, व्हाट इज वेक्टर ए, 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस सी का मतलब है बच्चों i माइनस 3j कैप माइनस 5. So this is equal to 3i cap minus 4j cap minus 4k cap minus i plus 3j plus 5k cap. This is equal to 2i cap minus 4j plus 3j minus j cap
माइनस फोर के ये प्लस के क्या आएगा? This is vector, that is not magnitude बच्चों, this is vector AC आ गया ये, this is vector AC. Now magnitude of vector AC is equal to under square root, देखिए 4 plus 1 plus 1 आ गया, so this is equal to बच्चों 6 आ गया. अभी हमको क्या देखना है? इसमें सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा है? देखें मैग्नीट्यूड किसकी है, ये 35 है और ये 41 है. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 35 है और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus AC square, बराबर ये दोनों का एडिशन ये, this implies triangle ABC is a right triangle. And देखिए ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये C और B, बराबर तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने BC स्क्वायर, सॉरी यहां भी आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां ये आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एंड एंगल ये इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. इट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. देखिए वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, देखिए पहला हम लोग पहला चेक करते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, बराबर है. तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू इसका अपोजिट वेक्टर माइनस सी ए हो जाएगा. तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू जीरो. That means first ये जो है ये क्या हो जाएगा, this is true. हमको not true को देखना है, vector B देखिए बच्चों, sorry second ये भी, तो vector A B plus vector B C minus vector A C is not equal to ये आना चाहिए. So this is we can say that not true. अब C लेते हैं, अभी C भी चेक करके वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस C is equal to zero. ये प्लस C आना चाहिए, प्लस C. This is also not true. ये देखिए अभी वेक्टर ए बी देखिए बच्चों प्लस बी सी है ये, हाँ प्लस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी भी लिख सकता हूं, प्लस सी इसकी और इसकी मीनिंग सेम आएगी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज ट्रू है. B देख लीजिए फिर एक बार, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस AC इज इक्वल टू जीरो. देखिए बच्चों दिस इज आल्सो ट्रू. हा एक मिनट, दिस इज आल्सो ट्रू. क्यों ट्रू है बच्चों, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC तो ये जिसको चेंज करेंगे तो C आएगा ना, बराबर. तो दिस इज आल्सो ट्रू है, ये नहीं ट्रू आ जाएगा. AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू जीरो, इसको चेंज करेंगे तो माइनस होता है. तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ओनली ये C जो है दिस इज नॉट ट्रू. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 19.
A and vector B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? देखिए वेक्टर ए इज ए एंड बी कोलिनियर वेक्टर से है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टू वेक्टर ए और सम स्केलर लैम्डा, दिस इज ट्रू है बच्चों क्योंकि दीज आर कोलिनियर है। सेकेंड देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस आर माइनस वेक्टर बी, बोलिए बच्चों वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, बोलिए। इफ आई राइट हियर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू वन आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, तो दिस इज ट्रू आएगा। सी द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों बच्चों? देखिए इफ टू वेक्टर्स आर प्रोपोर मीन्स कोलिनियर देन देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, डी आर आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू है। अब डी देखिए बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, देखिए वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन होगी, दिस इज फॉल्स रहेगा। वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर है तो उनकी डायरेक्शन अलग भी हो सकती है व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों।